10/12/2024 का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइस निकल जाएगी। आज का प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गमा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा, रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए, इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए, फिर कोई मुरझाइस आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइस निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है, बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं? कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल, माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी, जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो, माया तुमको याद करने नहीं देती है, मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं, माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है, शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा, ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे ना, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार, भल कुछ भी ना करे, है ना, परम धाम में तो सभी आत्माएं जाएंगी, चाहे वो वर्षा करे ना करे, मुक्ति तो सभी आत्माओं पे मिलेगी। तो बाबा कह रहे, आधा कल भल भक्ति करते हैं परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं, अगर देखा हो तो उनके पिछारी सब मच्छरों सदृश जाए, मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं, तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है, वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके, कर्म संन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो, जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय वितीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा।
यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है, हमको सारा राज बताते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यह नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं, तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना, तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं, खेल में भी बाबा पुरुषार्थ कराता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, बारी जाओ। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वो भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछारी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं, वह कौन है, सतयुग में तो हो नहीं सकती, वहाँ के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम जानते हैं जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाबा के बच्चे, हम भाई बहन है, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल इंसल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होता है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वो नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2-4-5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। सिर्फ बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है।
सर्बी सेवल को बाबा क्यों नहीं देंगे, सिर्फ बाबा का भंडारा भरपूर ही है। गीत यह है ज्ञान डांस, बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा, नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े, आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां का नाम भी मशहूर हो गया ना, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है, जो कुछ पास हुआ है वो ड्रामा, भूल हुई ड्रामा, फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, इतना तब इतना उच्च पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है, सेंसिबल जो है वो हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं, हिमते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए, एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोर एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पुराने कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दो नंबर, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। ना उसी समय जब हम सेवा कर रहे हैं, अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत खुशी खुश होकर सेवा कर रहे हैं, तो वही हमारा प्रत्यक्ष फल है, वही सेवा का फल मिल गया। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है।
योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अति इंद्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज के अभ्यक्ति सारे हैं। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती है। जहां भरपूरता है वहां संतुष्टता है। अच्छा, ओम शांति।